नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए फिक्स्ड अमाउंट वाज इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर्स एट ए सर्टन इंटरेस्ट रेट। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2% मोर देन ₹70 मोर इज रिसीव्ड, द अमाउंट इज व्हाट। तो ये पूछ रहा है कि मूलधन क्या है। ये बोल रहा है कि एक मूलधन को, किसी धन को 3 साल के लिए निश्चित दर पर इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है। लेकिन वही बोला जाता है कि अगर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दर 2% अधिक होता तो उसको ₹72 अधिक मिलता। तो हम क्या, ये आपका इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र क्या होता है, PTR, यही होता है ना। तो इसको हम पूरा लिख लेते हैं, PTR को बटा 100, यही होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पी तो वही रहेगा, ठीक है। टी कितना है, 3 है। दूसरा क्या है, इंटरेस्ट कितना, 2% बढ़ जाता है। मान लिया जाए अगर आर हो इंटरेस्ट तो 2 बढ़ा दिया इसको, ठीक है, बटा 100, यही चीज लिखा गया है। अब दूसरा क्या है, जो मेन मूलधन था जो पहले था वो क्या था, पी था। उसके बाद क्या, 3 साल के लिए, ठीक है। आर कितना है, आर ही है, बटा 100, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं, हल करने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3PR और ये हो गया आपका प्लस 3P × 2 यानी 6 हो जाएगा, ये बाद में कर लेंगे। चलिए इसको, ये हो गया 3PR, माइनस माइनस ये कट गया, माइनस प्लस, ठीक है। तो ये हो गया आपका 72। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6P/100 बराबर 72, 6 × 12 = 72। तो P बराबर क्या हो गया आपका आंसर, 1200, यानी अमाउंट आपका 1200 है। अब इसको हम ट्रिक से भी बना सकते हैं, अब ट्रिक क्या है वो देख लेते हैं। देखिए 3 साल के लिए बोल रहा है और ये भी 3 साल के लिए है, लेकिन बढ़ता कितना है, केवल 2%। तो 2% बढ़ रहा है, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 3 साल के लिए 2%, यानी कुल मिला के 6%, 3 साल के लिए 2%, यानी कुल मिला के 6% ये बढ़ा हुआ है। 6% बढ़ा हुआ है तो कितना बढ़ जाता है, ये 72, ठीक है। तो 6/100 बराबर 72, यानी 6 × 72। तो पी, इसको पी मानते हैं, ये पी है, तो पी बराबर कितना हो गया, ₹1200। ये आंसर, ये ट्रिक हो गया आपका। अब उसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी सेम है, और मैं चाहूँगा कि इसे आप अपने तरीके से बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होता होगा। मैं केवल समझा देता हूँ, इसमें क्या है कि 2.5 साल है, इसमें दोनों में 3 साल था, लेकिन इस क्वेश्चन में 2.5 साल है इसमें और इसमें 3.5 साल है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 2.5 साल ये हो गया, तो 12% 2.5 साल के लिए कितना हो गया, 12 × 2.5 यानी 5/2%, ठीक है। दूसरा क्या है, 3 साल के लिए, 3.5 साल के लिए, सॉरी 3.5 साल के लिए, तो ये 10 × 3.5 साल यानी 7/2 बराबर कितना आ रहा है, ये भी प्रतिशत है, 40 साल, 40 रुपया, सॉरी 40 रुपया अधिक हो जाता है। अब इसको केवल आप हल कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, जैसे कर लेते हैं, तो 2 × 5 = 10, 35% माइनस 2 × 6 = 12 यानी 6/5 = 30% बराबर कितना हो गया, 40, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5% बराबर 40, तो इसको कर देंगे 5/100 बराबर 40, 40, यानी पी बराबर ₹800। और पूरा विस्तार से, जैसे अगर मैंने ऊपर वाला बनाया वैसे विस्तार से भी आप बनाइएगा तो आंसर वही आएगा। धन्यवाद।